नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। बिहार की नीतीश कुमार सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है। राजभवन में दोपहर करीब 12:30 बजे नए मंत्रियों ने शपथ ली। सरकार बनने के करीब 2.5 महीने के बाद कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। और वहीं कोरोना के दैनिक मामलों में पिछले 2 दिन से लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 9,110 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो 75 मरीजों ने दम तोड़ा। और वहीं दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा मामले का मुख्य आरोपी में से एक है। करीब 15 दिन से लापता था, उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। और वहीं भारत में जनवरी का महीना काफी गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश में साल 2021 के जनवरी में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और ऐसे में न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो पिछले 62 वर्षों के तापमान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पुलिस ने 5 महीने पहले हुई एक हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का खुलासा किया। इस मानव तस्कर गिरोह ने काफी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और वहीं हापुड़ में साले ने अपने जीजा को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। मामूली बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने भाई को फोन कर दिया। महिला का भाई मौके पर पहुंचा है, उसने अपने जीजा की धारदार हथियार से हमला करके उसको मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। फतेहाबाद में एक ट्रक में दर्जन भर से ज्यादा गौवंश को मेवात ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पशु तस्करों को गौ रक्षक दल और पुलिस ने पकड़ लिया। मौके पर एक पशु तस्कर फ्लाईओवर से नीचे कूद गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में धूमधाम से युवक की सगाई की रस्म पूरी की गई, उसके बाद युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंडी में पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को 14 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। और वहीं गुरुग्राम में तेज रफ्तार वाहन ने सामने से आ रही होंडा सिटी गाड़ी को टक्कर मार दी है। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जूसर के जरिए सोना तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। शख्स के पास से बरामद किए गए सोने की कुल कीमत 29 लाख रुपए। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस के सिपाही ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, इसके बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और वहीं इंदिरानगर के घरों में लाखों रुपए का सामान साफ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया। इनके पास से पुलिस ने 35 लाख रुपए की नकदी, जेवरत और 50,000 रुपए की नकदी भी जब्त की। मैनपुरी में एक युवक ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर जब परिजन कमरे में पहुंचे तो आरोपी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ में बैंक से 8.5 लाख रुपए की लूट करने वाले आरोपी को मोहाली से गिरफ्तार पुलिस ने किया है। मोहाली क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार आरोपी पर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में 20 से ज्यादा मामले दर्ज। फरुखाबाद जिले में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात में सेल्समैन काम करने के लिए शराब के ठेके पर गया था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। उसका शव सड़क किनारे मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की। चंडीगढ़ में एक होटल में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवती को स्कूल में नौकरी देने के नाम पर बुलाया था। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। यूपी के हरदोई जिले में एक शख्स की देर रात घर में घुसकर गांव के कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। पंजाब के अबोहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से अनियंत्रित हुई कार पेड़ से टकरा गई है। कार सवार पुलिसकर्मी सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया। अमृतसर में 11 कुत्तों को किसी ने जहर खिला दिया, जिसमें से 7 कुत्तों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। और वहीं बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के भाई राजीव कपूर का 9 फरवरी को दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बिग बॉस 14 के घर में कनेक्शन का प्रवेश हुआ है। वहीं जैस्मिन घर के हर सदस्य को रूबीना और अभिनव के खिलाफ भड़काती नजर आई हैं, जिसको लेकर जैस्मिन सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही है। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।